नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। इस धरने प्रदर्शन में जो ये पहलवानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, कई परिवारों के लोग पहुंच रहे हैं। एक एक बंदा हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि कोई ना कोई पहुँच रहा है। लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक परिवार है जो ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग को लेकर पहलवानों के समर्थन में यहाँ जंतर मंतर पर आया। आप देखिए, एक छोटी सी बिटिया है, उनकी माँ है, एक छोटा सा बच्चा है, उनके पिता है, ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो ही यहाँ पर आ गया है। तो मैं सबसे पहले इनकी माता जी से जानना चाहूंगी। मैम, पूरा का पूरा परिवार ही आज यहाँ पे आगे, बच्चों को मालूम है कि क्या हो रहा है? जी, घर में चर्चा हो रही है। 13वां दिन आज यहाँ है कि बेटियाँ बैठी हैं, तो घर में चर्चा होती है तो बच्चे सुनते हैं कि क्या देश में चल रहा है। जी, तो इन बच्चों को आपने खुद से कहा था या फिर ये अपने मन से आए हैं? बच्चे अपने मन से आए हैं, क्योंकि जब इन्हें पता चला, खास करके बेटी, कि जब हमें पुणे पता चला कि हम क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मम्मी हम भी साथ चलेंगे, क्योंकि अगर साक्षी दीदी के साथ ऐसा हुआ है तो हम भी साथ चलना चाहेंगे, हम भी आपके साथ जो है इंसाफ की मांग करेंगे। तो बेटा, आपको पता है कि कौन है साक्षी मलिक, कौन है विनेश फोगाट, कौन है बजरंग पुनिया? जी, मुझे पता है, वो पहलवान है। पहलवान है, तो आपने क्या सुना? मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या मैंने सुना कि साक्षी दीदी और विनेश दीदी के साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं कुछ गलत हुआ है। तो मुझे सच सच बताइएगा, आपकी मम्मी ने आपको बोला था चलने के लिए या फिर आपने खुद से बोला था कि मम्मी मैं भी चलूंगी? मैंने खुद से बोला था। आपने खुद से बोला था। तो देखिए, विमेंस राइट की बात को लेकर ये बच्ची जो, इसने कहा कि मैं 4th क्लास में हूँ और मुझे पता चला साक्षी दीदी के साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर आ गई। इसका कहना है मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स नहीं किया था। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है यहाँ पे। बच्चे, क्या नाम है आपका? अभिमन्यू। अभिमन्यू नाम है। तो आपको मम्मी ने बोला था आने के लिए, खुद से आए हो? मैं खुद से आया हूँ। पता है क्या चल रहा है यहाँ? क्या पता है आपको यहाँ क्या हो रहा है? आपको नहीं पता? अच्छा, तो मम्मी ने बोला था आपको कुछ? अच्छा, चलो ये बताओ, क्या उम्र है आपकी? मैं 5 ईयर्स का हूँ। 5 ईयर्स का हो? आप जानते हो कौन है ब्रजभूषण? ब्रजभूषण कौन है आप जानते हो? नहीं जानते। लेकिन देखिए, परिवार जो है, परिवार में बातचीत चल रही थी, तो इस बच्चे को ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन इसका है कि यहाँ पर ही आया है अपने मम्मी पापा के साथ। 5 साल का बच्चा है, अपने हाथ में ये तख्ती लेके कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लो। तो ये मम्मी पापा है, तो मैं पिताजी से भी जानना चाहूंगी कि आखिर में इनका क्या कुछ कहना। तो सर, आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत जावला है। देखिए, हमारे जैसे लोगों का 150 किलोमीटर से आने का और अपने छोटे बच्चों को लाने का उद्देश्य तो यही है ना। अगर सब ठीक होता तो हमें क्या जरूरत है अपने घर से निकलने की? हम अपने ऐसी घरों में बहुत आराम से रह रहे हैं, हमारे माता पिता ने मेहनत की है, हम इस लायक हैं कि हम आराम से रहें। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तभी तो निकलना पड़ता है, और तभी ये सब भाई निकले हुए हैं जो वहाँ बैठे हैं। लेकिन सब पता नहीं किससे डरते हैं, पता नहीं मोदी जी योगी से डरते हैं, योगी ब्रजभूषण शरण सिंह से डरते हैं क्या, क्योंकि उन्होंने शायद बाबरी मस्जिद तोड़वाने में बहुत सहयोग दिया था। RSS के लोगों से लोग डरते हैं क्या? कि एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। मैं गाँव में रहता हूँ, अगर कोई किसी लड़की को छेड़ दे और उस पर पॉक्सो एक्ट से मुकदमा दर्ज हो जाए तो शाम तक उसकी खाट खटिया सब टूट जाती है। ये रोज देखते हैं हम समाज में, और हम चाहते हैं ऐसा हो। हम ये समझ नहीं पा रहे कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए धरने में बैठो, फिर रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी कमेटी बनेगी, फिर कमेटी गलत रिपोर्ट आए तो हम धरने पे बैठेंगे कि रिपोर्ट दर्ज कर लो, सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और तब भी अपराधी आके खुलेआम आप लोगों को इंटरव्यू दे सकता है और उसमें खराब खराब बॉडी लैंग्वेज की बातें कर सकता है। तो ये हो क्या रहा है? समय बताएगा कि कौन ईमानदार था, ये तो हमेशा समय बताएगा। जैसे पीछे 11 महीने के बाद पता चला कि ईमानदार तो किसान ही थे, मुझे लगता है कि इस बार भी पता चलेगा कि ईमानदार तो खिलाड़ी ही थे। तो मैम, आपसे भी अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि ये जो धरना है ब्रजभूषण के इस्तीफे के बाद ही खत्म होगा या फिर कुछ और रास्ते निकाले जाएंगे? क्या लगता है आपको, क्या देख के वो क्या अंदाजा लगा रही है? देखिए, अंदाजा तो नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन जो होना चाहिए वो यही है कि अन्याय मिलना चाहिए, इन लड़कियों के साथ सही होना चाहिए और ब्रजभूषण को, ऐसे आदमियों को इस्तीफा देना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप इतने ऊंचे पद पर बैठकर ऐसा करते हैं तो जो लोग हमारे से नीचे हैं, यानी कि ब्रजभूषण जी तो एक आइकन थे और हैं शायद अभी तक भी कुछ लोगों के लिए जो पार्टी ओरिएंटेड लोग हैं, लेकिन अगर एक बड़ा आदमी, यानी कि अगर घर का बड़ा गलत करेगा तो नीचे बच्चा छोटा क्या सीखेगा? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पद नहीं देना चाहिए और उन्हें
इस्तीफा देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक परिवार जो है पूरा का पूरा शामली से, आपने बताया शामली से? जी शामली से। तो शामली से ही पूरा का पूरा परिवार आ गया है, बिटिया है, बेटा है, माँ है, पिताजी हैं, ये पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर आया है यहाँ पहलवानों का अपना समर्थन दिखाने के लिए। तो आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।